बिना भेदभाव विकास कार्यों का लाभ सभी क्षेत्रों को मिले, अपने इसी मंत्र को साकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की सौगात देंगे। सीएम शहर से लेकर देहात तक सुदृढ़ सड़कों के संजाल का लोकार्पण करेंगे तो बाढ़ से निजात के लिए बचाव से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर क्लब में दोपहर बाद 2 बजे से आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 464 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वह 298,81,72,000 रुपए से अधिक की लागत वाली 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व 164,77,95,000 रुपए से होने वाले 27 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इन विकास कार्यों से सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइज, कैंपियरगंज, चौरी चौरा, सहजनवा, चिल्लूपार, बांसगांव, खजनी को लाभान्वित किया गया है। सर्वाधिक हुए और प्रस्तावित कार्य सड़क व बाढ़ बचाव को लेकर है। इसके साथ ही 2.32 करोड़ रुपए से तरकुलहा देवी मंदिर के सौंदर्यकरण कार्य व खजनी ITI में 4.35 करोड़ रुपए की लागत से बने कार्यशालाओं तथा थ्योरी कक्षों का लोकार्पण भी होगा। सीएम योगी के हाथों जिन विकास कार्यों का लोकार्पण होगा उनमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 99, लोक निर्माण विभाग की 42, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की 24, बाढ़ खंड की 5, यूपी शिड़को की 3, UPPCL की 2, C&DS की 2, बाढ़ खंड 2 की 2, ड्रेनेज खंड व राजकीय निर्माण निगम की 1-1 परियोजना शामिल है, जबकि लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 3 की 13, बाढ़ खंड 2 की 7, ड्रेनेज खंड की 6 तथा बाढ़ खंड की 1 परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। लोकार्पण व शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्रों को भी मंच से योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सिविल लाइन्स स्थित कार्यक्रम स्थल का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा कार्यक्रम में जो बाहरी अंदर आने का रास्ता है उसको बंद करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा जो क्लब के कमरे हैं उसमें ताला लगाने के लिए कहा और बाहरी व्यक्तियों के आगमन पर रोक लगाने के लिए क्लब के मालिक को निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया। इस अवसर पर SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, CO कैन श्याम देव बिंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये सब रूम किसका है? ये सब ऑफिस, ये सब पे ताला लग जाएगा। हाँ, ये सब को लेके हम लोग पहले सीधा आएंगे ना, पहले स्टॉल पे लेके आएंगे। यहाँ पे स्टॉल्स लगे, तुम्हें ट्राईसाइकिल बैठेंगे किधर से 15 बैठेंगे, झंडा दिखाएंगे, मोदी जी ने ब्लॉक, ठीक है। ये 10 विभागीय स्टॉल होगा, लास्ट वाला हो जाएगी सर। नमस्ते, कैसे रखिएगा ना? हाँ, सीधा सब खुला रहे, सोफा लगवा था सिंगल वाला, मंत्री का मतलब ये, और सांसद जी और मेयर का सिंगल सीटर है ना, तो वो लाइन से आएंगे अपना सर्टिफिकेट उतर, और एक बार नहीं होगा तो सामने खड़ा होकर नहीं, वो तो अब सवेरे इस पर गार्ड।
लॉक नहीं किया, तो जैसा हो जाता वहाँ से आता हमें ये रिसीव करके पहला प्रूफ देते हैं तो इस पे से पक्का कह रहे हैं।